इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारत के दो ऐसे मुक्केबाज जिनके नाम से ही सब जानते हैं कि ये कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवा थापा और एल देवेंद्रो के लिए, जो ओलंपिक में और उससे पहले जितने भी टूर्नामेंट हैं उनमें अपना झंडा वो गाड़ चुके हैं। शिवा, सबसे पहले आपसे, ये जो टूर्नामेंट है ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, किस तरीके की तैयारी हुई है आपकी? वेल, ओलंपिक्स के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी का टाइम मिला है, यू नो, 5-6 मंथ्स, इट्स बिन 1 ईयर सिंस ओलंपिक गेम हुए। और अभी हम रिसेंटली रशिया में कॉम्पिटिशन करके आए, जिनमें हमें काफ़ी सारे मेडल मिले। मैंने ब्रॉन्ज जीता और अन्य बॉक्सर्स भी जो साइप्रस गए थे, चाइना गए थे, काफ़ी सारे मेडल लेके आए। तो डेफिनेटली इन दिनों में ओलंपिक्स के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया और काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की। हमारे कोच है चीफ कोच गुरबाग सिंह संधू सर, फर्नांडिस और एंटायर यू नो इंडियन स्क्वाड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अभी हमारा टाइम आ गया एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि मेन टारगेट इस साल का, तो वी आर रेडी टू गो। ओलंपिक में आपका प्रदर्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, उससे पहले आपसे बहुत आशा थी, पहले टूर्नामेंट जीत भी गए थे, तो ये टूर्नामेंट आपको लग रहा है कि एक तरीके से फिर से अपने आपको रिडीम करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है? वेल, डेफिनेटली यू नो सब कॉम्पिटिशनों में अपनी एक यू नो एक्सपीरियंस लेके चलता हूँ। और जहाँ तक कि ओलंपिक का सवाल है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल को मिला के, ओलंपिक को मिला के बराबर की बात हुई है। और ओलंपिक्स में मैं काफ़ी यंग था और मेरा जो टारगेट था 2016 का, तो ऐसी बात नहीं है जो यंग है तो लूज़ हो गया, ऐसी कोई नहीं है। मैंने अपनी पूरी तरह जान से प्रयास किया और यू नो ड्रॉ बाइज होती है एंड ऑफ द डे, यू नो इट इज़ स्पोर्ट, एक को हारना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा अपने हार से और आने वाले कॉम्पिटिशनों के लिए उन सब गलतियों को सुधारने का और आने वाले कॉम्पिटिशन में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास कर रहा हूँ। देवेंद्र, आपसे बात करें, आप इस टूर्नामेंट में बहुत यंग है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ओलंपिक में भी आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, एवरीवन वाज सरप्राइज, आपको आपका जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस था सब बहुत खुश हुए थे। सो लगता है कि ये जो आपका जो फॉर्म है वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में? हाँ, मैं जो शिवन ने बताया कि हम इसे ओलंपिक से ओलंपिक बार 2-3 कंपटीशन खेल चुके हैं, इसमें बहुत सारे मेडल, इसमें मेरा सरप्राइज में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ओलंपिक में मेरा क्वार्टर फाइनल में लॉस हो गया था, तो इसे अभी क्वार्टर फाइनल में लॉस हो, अभी फाइनल में गोल लेके दिखाऊंगा, बोल के मैं ऐसा ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ऐसा गोल लेके दिखाऊंगा। शिवा, ये जो टूर्नामेंट है, ये ऐसा, इस टूर्नामेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, रूल्स चेंजेस बोले, हेड गियर नहीं होगा, पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम भी बहुत बदल गया है, तो कितना तैयारी है इसके लिए? वेल, हमारे कोचों हमारे साथ पूरी तरह से जोर शोर से, जो टेक्निक है, न्यू स्ट्रेटजीज हम पूरे अपनी उसको यू नो ट्रेनिंग में यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक हेडगार्ड का सवाल, हेडगार्ड रहेगा और स्कोरिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है कि आप पंच लगोगे तो स्कोरिंग नहीं मिलेगा। पंच आपको जितना पंचिंग ब्लो आप टारगेट पे लोगे उसका स्कोर जरूर मिलेगा आपको। और प्लस जो पॉइंट है, आपको एग्रेसिवनेस और राउंड डोमिनेट करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये चेंजेस आए बॉक्सिंग में, जो डोमिनेट करेगा ज़्यादा, जो ज़्यादा एग्रेसिव बॉक्सिंग खेलेगा तो उसको ज़्यादा यू नो जीतने का मौका मिलेगा। तो उसमें हम अपनी तरफ पूरी तरह से तैयारी में हैं। देवेंद्र, ये जो टूर्नामेंट है, आप जनरली रिलाय करते हैं फास्ट स्पीड पे, तो आपको लगता है ये जो स्कोरिंग चेंजेस हुए हैं, ये जो रूल चेंजेस हुए, इसमें कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा? हाँ, अभी कोचेस ने बताया कि जो अभी नया स्कोरिंग सिस्टम मारा, जो पुराना जमाने में बॉक्सिंग स्टाइल है वही 6 मारा है, तो हमारे जैसे टेम्पो बॉक्सर के लिए तो अच्छा अच्छा कामयाब होगा, ऐसे कोच ने बताया। तो इसके लिए आपने कुछ अलग से तैयारी आपको करने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, अभी जो यूरोपियन चैंपियनशिप है उसमें तो यही स्कोरिंग सिस्टम चल रहा था, तो उसमें इसका बहुत देखा है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग ऐसा करके। कौन सा ऐसा कंट्री लग रहा है आपको, एशियन कंट्री जनरली बहुत मानी जाती है बॉक्सिंग में, तो कौन सी ऐसी कंट्री के लिए ऐसा ओपोनेंट है आपको लगता है कि जो आपके कैटेगरी में आपको अच्छा फाइट दे सकता है? हाँ, अभी सभी कंट्री ऐसा है, इसके बारे में तो उतना ध्यान नहीं रखता हूँ, जो आना है मेरे को जितना जितना ये सोचता हूँ। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, ये जो टूर्नामेंट है, ये एक बार फिर भारत आईबा के फ्लैग के नीचे खेलेगा, भारत का झंडा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दिल में कहीं कोई टेस है कि काश भारत का झंडा होता, उसके अलग परफॉर्मेंस करने का मन होता? वेल, बचपन से जब से हम 8 ईयर्स से इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब इंडिया बैक में लिखा हुआ रहता है और इंडियन झंडा उठता है जब मेडल जीते हम। तो डेफिनेटली इस बार भी हमें आशा थी कि हम इंडिया फ्लैग यू नो रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया लिख के खेलेंगे अपने पीछे, लेकिन कोई नहीं, इंडिया लिखोगे या ना लिखो, हम खेल तो इंडिया के लिए रहे और मेडल जीतेंगे तो डेफिनेटली अपने देश के लिए जीतेंगे। दिल में देश का नाम पीछे लिखो या ना लिखो, कोई पंगा नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है, जो हमने मेडल जीतना है, बस गोल्ड मेडल ही जीतना है, जो जब तो हम इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, इसी ये सोचता हूँ। तो बुल्स आई है टूर्नामेंट का कि गोल्ड जीतना है, आप दोनों बहुत यंग है, आशा करते हैं कि इस टूर्नामेंट में एक बार फिर आप अपना दमखम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ये दो दिग्गज बॉक्सर जो इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं तापुष भट्टाचार्य, DD News, दिल्ली।